dedicated to my friend from Karachi, Hamza Ibrahim. I'm sure you guys know of him. It's all good. जिसको पता है उसको पता है। अब क्या है ना, ये लड़का बहुत अच्छा है, उससे अच्छी है इसकी आवाज। मेरे जिस्म के दो जिगर के टुकड़े हैं, एक ये जो इस्लामाबाद में रहता है और दूसरा जो इस्लामाबाद में रहता है वो ये जो सब पाकिस्तान के दिल में तारे दिखा रहे हैं, ये करते हैं ना। तू अभी खाना खाते हैं उसके बाद तो पैटर्न देख के तेरे को अंदाजा हो ही होगा कि ब्लॉग का नाम है व्हाट्स कुकिंग। मतलब पिछले महीने में जो भी तेरे भाई के साथ हुआ है, अप डाउन सारा डाउन, ये सब उसके बारे में। और पिछला महीना बहुत ही रोलर कोस्टर गुजरा है। तो मैं शामून अब्दुल्ला, हम लोग सब वीडियो कॉल पे थे, तो हम लोग ये बात करते हैं कि शहर खुलेगा तो खुल के बात करेंगे। मैं जो मेमोरीज थी हमारी वो फुटेज देख रहे थे, तो हम लोग मैंने कहा फुटेज का कोलाज बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दिस इज व्हाट इट इज, इस खूबसूरत से कॉन्सर्टों के दिन को हम याद करते हैं इस शेर के साथ कि दुनिया तुझे रास आ जाए तो कहना, ना सर पत्थर से टकराए तो कहना, बहुत खुश हो कि उसने कुछ कहा है, ना कहकर मुखर जाए तो कहना। इसको हाथ लगा के देख गर्म हुए कि नहीं। अच्छा जले तो हम जले हैं। रात को पार्टी किधर? ओ हाँ, रात को पार्टी था। कैमरे की यहाँ को देख रहे हैं। अभी क्या है ना कि इंसान के लिए बुरा वक्त आता है तो उसको इंसान और दबाता है, निचोड़ देता है, फायदा उठाता है लेकिन कॉल नहीं उठाता। तो ऐसे मौके पे ऐसे दोस्त रखना बहुत जरूरी है जो जिनके ख्वाब जो पैरों से नहीं दिमाग से चलते हो। इंग्लिश में बोलूँ तो यंग बॉयज विद बिग चेक्स। तो ये वो मेरे दिल के करीब कुछ दोस्त हैं, उनकी याद है। इसके साथ साथ जो है वो मुझे जाना था, नेक्स्ट जो हमारा मिशन था वो था लाहौर जाना था मुझे काम से। तो हमारी फैमिली वो भी खड़ी हो गई कि हम क्या दुनिया में पैदा हुए तो मैं ब्लॉग घूमता हूँ देखने के लिए, हमें नहीं घुमाओगे। तो मैंने कहा चलो फैमिली ओपी को भी गाड़ी में लोड के और हम लोग गए लाहौर। अब बीच में मेरी थ्योरी मुझे याद आ गई कि जहाँ फैमिली होती है वहाँ कैमरा नहीं होता, कैमरा होता है वहाँ फैमिली नहीं होती, हमजा भाई की थ्योरी। तो हम लोगों ने मुल्तान में अपनी फैमिली को फेंका, मतलब मैंने फेंका नहीं, मतलब मम्मी भी ब्लॉग देखती है, मम्मी सॉरी वो गलती से मुझसे निकल गया, वो है आपको पता डायलॉग्स का तो मैं बादशाह हूँ। तो फेंका नहीं रखा, मतलब ड्रॉप किया मेरी अम्मी जान को मुल्तान में मामू के घर, और फिर मैं आगे गया लाहौर। अब लाहौर आए और लाहौर में फोटोग्राफी की इनकी, तो लाहौर में हमजा भाई यार फोटोग्राफी नहीं करना, लाइक मजबूत विदाउट ब्लॉन्डर काम, विदाउट पट्टी, रणवीर सिंह विदाउट फैंसी क्लोथ, हमजा भाई विदाउट इरफान एंड फोटोग्राफी विदाउट दो पट्टी। मेरे लिए होती है स्वैग दो चीज़ों से, एक दिमाग में शान पत्ते और एक मेरे पाँव में दो पत्ते। एक्टिंग के बादशाह हो भाई, एक्टिंग के बादशाह हो। चलो अबे जहाज कहाँ चला गया? ए उड़े डा की में बंदा बवे डा तो जावे डा। हाँ मैं बैठूंगा, हाँ मैं बैठूंगा, चलो मैं बैठ जा सा या तू बैठ जा, मी बंदा वे बवे डा तो चले डा जहाज जाए में कि मैं उड़े डा। यहाँ सांप होते हैं? नहीं जारी सी बात, क्या पता चल रहा है। आजा तू साथ साथ चलेंगे, जो भी चीज़ ये करेगा विल फॉलो। अंदर कहीं कोई साइड ब्रो क्या? स्टॉप हियर। अबे ऐसे स्टॉप नहीं हो सकते भाई साहब, ऐसे नहीं आ सकते, पीछे कुत्ता है देख के काट वाट ना ले, एक का दो हो जाएगा एक का दो। यहाँ पर
जिस जगह पे हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि भूत भी होते हैं। तुम कहते हो ना भूत होते हैं यहाँ पर? अबे वो हाँ कह रहे हैं। तो हम इस व्लॉग में अगर आपको पीछे कोई नजर आए तो हम नहीं है भाई, हम सिर्फ तीन लोग हैं और ये हमारा छोटा चित्र। दिखा दो भाई को, यूँ कर लो, कुछ बोलो तो, तुम तो नहीं हो। अबे यही लग रहा है मुझे भाई साहब। हम लोगों ने पीछे बसों पे शूट कर दिए, मैं हूँ, मेरे साथ मेरा शूटिंग क्रू है। क्रू यूँ कर दो, हाँ हमारे क्रू ने अभी तक बोला नहीं है, तो अगर ये कैमरे में नहीं आया तो आप समझिएगा कि हमारा क्रू इज़ वेरी डेंजरस, हमारा क्रू इज़ ऑक्यूलस। और बस बाकी हम लोग जा रहे हैं, हमारी शूट हो गई है, रात होने वाली है तो हम जा रहे हैं। ये छोटे से कैमरामैन भी है, छोटे से, और ये उनके उनका क्रू है भैया। और हम लोग जा रहे हैं अभी रात को, मेरे दोस्त के घर जाना है और मेरी महबूबा के घर जाना है। देखो भाई, अब जहाँ मोहब्बत की बात आ गई है वहाँ एक सपना भी है, कोई अपना भी है, ये सच भी है और सच ना भी है। मैं मेरे पाकिस्तान में दो ही क्रशेज हैं, पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड गए, मेरे दो ही क्रशेज हैं, एक मायरा खान और एक शरीफा जब्बार। बोथ आर मैरिड, पर आप अपनी हवस की निगाह को दो मिनट नीचे रख कर, दो मिनट मेरे लिए नीचे रख कर अगर आप ये सोचें कि जो क्रश होता है वो रिलेशनशिप स्टेटस पे नहीं होता, वो इंसान की पर्सनैलिटी पे होता है। आप मुझसे इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि मैं ड्रोन शॉट अच्छा लेता हूँ, आप मुझसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि मैं आपको अच्छा लगता हूँ। ये रिलेटेबिलिटी होती है, तो इसी रिलेटेबिलिटी में आप सोच अपनी नहीं रखें पर तजर्बे सारे पुराने रखें। और वैसे भी भाई, अब तो क्रश होगी तुम्हारी, मेरी तो दोस्त है भाई। क्रश होगी तुम्हारी, मेरी तो दोस्त है। आपकी लाइन है भाई, पैसे नहीं मिले मुझे लाइन बोलने के, इसलिए हम कंटेंट क्रिएटर नहीं बने, हमने ब्लॉगिंग चूज की। उसके बाद वापस मुल्तान गए, फैमिली को उठाया और सीधा होम स्वीट होम। एक और बात है जो कराची आने के बाद इस ट्रिप में हुई थी जो मैंने तुम लोगों को बताई, और एक बात इस ट्रिप की तुम्हें बताई नहीं कि जो ट्रिप में हमें गया था पीछे से हमारी गाड़ी ठोक गई थी, और जिसने ठोकी थी उसका तो अल्लाह ही आपने, हमारी फिर भी बचत हो गई थी, लेकिन उसका खर्चा आया। मैंने मम्मी से बोला पीछे से गाड़ी ठोक गई बनवानी, उन्होंने कहा भाई ये समझो सदका चलेगा। अब सफ़र के महीने से पहले ही हम इतना सफ़र कर रहे हैं और सदका होता है 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, 20,000 रुपये का कौन सा सदका होता है, इतने भी सदके वाले नहीं है भाई साहब। हम तो वापस कराची आए, छोटी गाड़ी का एक्सेल ख़राब हो गया, अब हम एक्सेल ठीक कराने के लिए जा रहे हैं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हमजा भाई का बैंक बैलेंस बदल दिया, इतना भी नहीं होता। तो हमारे साथ हैं ये दो, हमारे दो अंदर ये एक दोस्त है और दूसरा बिल्कुल हम दिखा नहीं सकते। जो गर्लफ्रेंड है वो आपको प्यार से क्या बुलाती है? पप्पू बुलाती है, ये पान लगाता है उसके लिए। तेरी बुबू, अरे क्या पाद है क्या बुबू? तुम्हारी क्या बुलाती है? मेरी बुलाती थी मुझे, बुलाती थी तो मेरी भी थी बेबी जानू सोना, और इससे नीचे का सब जिससे शुगर हो जाए ना इंसान को सुन सुन के वो सब। आप कमेंट भी लो आपकी क्या है तो बुलाती है, वैसे तो मजबूती, लेकिन फैजान भाई आपकी प्यार से क्या बुलाती है आपको? हाँ क्या बुलाती है? फैजी फैजी। कितने देर में? दो घंटे डेढ़ घंटे पूरी तैयार हो जाएगी। हाँ लेके जाना। नासिर भाई से हमने सही बात की और एक और राउंड लेकर पता चला कि भाई एक्सेल का मसला भी है, एक्सेल के साथ साथ फाउंडेशन का मसला भी। 10,000 रुपये बोले उन्हें, 10,000 बार सोचना पड़ेगा, 10,000 रुपये नींबू पानी लेकर आओ। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने बस पैसे की तो माँ बहन हो गई है और अभी हम फाउंडेशन ठीक कराएंगे। लड़कियाँ मुझसे पूछेंगी कि एक्सेल क्या होता है, हमने तो सिर्फ एक्स सुना था, जब एक्स के एल लग जाते हैं उसको कहते हैं एक्सेल। सही है, और फाउंडेशन सब मिला के कितना खर्चा है? मिला कर होगा 14,400। 14,400 रुपये अम्मी आपको मुझे देने। तो गाइस कितने रुपए देने हैं एक माँ को अपने बेटे को? 20,000 रुपये करोला के और 14,000 रुपये फाउंडेशन के। फाउंडेशन लड़के वाली नहीं, वो तो 14,000 की लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लड़की की ओर से ले लिया, लेकिन जाने दो, ये गाड़ी की फाउंडेशन की बात हो रही है। तो वो कितने देने अम्मी को? मैथ्स के हम बादशाह हैं, जब अपनी माँ से पैसे लेने होते हैं तो 34,000 रुपीज गैस देने, और लेने के टाइम जाने दो, माँ है, पैसा तो घर में आ रहा है, अपनी जाने दो। ठीक है, थ्योरी है ना बेटे की भाई साहब। तो द थिंग लास्ट थिंग जिंदगी के मुताबिक जो है वो मेरे 10 सेशन आ रहे हैं, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगर आप मेरी बातों थोड़ा कनेक्ट करते तो मैंने पहले ब्लॉग में कहा था, सबसे पहले ब्लॉग में मैं अपने वर्ड्स को बहुत अहमियत देता हूँ कि अगर इंसान के पास दिमाग हो तो अपना दर्द भी बेच दे, और वो इसीलिए कहा था। आज मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ कि मुझे अपने आप से प्रॉमिस किया था कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स में
मैं ज़िंदगी के मुताबिक के नाम की एक कहानी सुनाऊंगा अपनी, और वो सारे जो कुछ भी लिखा है और जो हुआ है वो सुनाऊंगा। आई थिंक मैंने अपनी वही जेन्युइन ऑडियंस बनाई है जो सुनने के लायक है, जो मेरे शॉर्ट्स ड्रोन के लिए देखने आती वो मुझे देखने के लिए आती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एग्जिस्टिंग। उसके साथ साथ ही एक रैप आ रहा है, और जो रैप है इट इज़ मतलब आप समझो जो कहानियों कानों से सुन रहे हो वो आंखों से देखने वाला एक विजुअल रैप है, और उसका नाम है बदल है जाते देख, और वो भी आ रहा है। और उसका टीज़र बिल्कुल रॉ टीज़र, मतलब वोकल जी मैंने शायद फ़ोन से दिए हैं, वो ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो भी यूट्यूब पे ही आएगा। और उसकी जो पहली लाइन है वो यही है कि बदल है जाते देख कैसे मिलने के आदाब भी। असल में क्या है ना कि कॉमेडियन रिप्लेसेबल होता है भाई, चाहे जितना भी अच्छा कॉमेडियन हो, पर एक इंसान जो अच्छा इंसान होना, या इंसान जो 10 साल का होगा करके आया, चाहे वो तू हो मैं हूँ या कोई भी हो, जो हार ना माने सही कि दिमाग को रखते दूसरा और ख्वाब पहला, तो वो रिप्लेसेबल नहीं होता, चाहे वो मर क्यों ना जाए, लोग उसको कभी किसी अच्छे दिन याद कर ही लेते हैं। तो ये वो सीन है, और वो हर इंसान जिसने मेरी आवाज़ को, मेरी बातों को, मेरे माँ बाप के लहजे को बुरा फील कराया था ना, बस उनको बताना कि मुझसे तुझसे और हम सब से तू बता कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो इट्स अ वेरी रॉ वीडियो कि बदल है जाते देख कैसे मिलने के आदाब भी, नुमाया होता चेहरा और गिरते हैं नकाब भी, काम बच्चे से। बदल है जाते देख मिलने के आदाब भी, नुमाया होता चेहरा गिरते हैं नकाब भी, निकलते आस्तीनों से पले हुए हिसाब भी, हिजाब तू गिरा तो मांगू रिश्तों के हिसाब भी मैं दूंगा करूंगा लाजवाब भी, हुआ था मैं खराब करूंगा मैं खराब भी।